हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सुंदर एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होते हैं दोस्तों जिसके एंड में आप ईडी लगाते हैं, वो रेगुलर वर्ब होते हैं, जैसे प्ले प्ले प्ले। और इरेगुलर वर्ब वो होता है जैसे गो एंड गॉन। ठीक है, तो आपको यहाँ दोनों मिलेंगे, रेगुलर वर्ब भी इरेगुलर वर्ब भी। तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं और देखते हैं लाइव। इस ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएंगे। अगर आप इरेगुलर वर्ब को याद करना चाहते हैं तो इरेगुलर वर्ब को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे आपके सामने जितने भी इंटरफेस है वो आपको मिल जाएंगे, इरेगुलर वर्ब जितने भी है। उसके बाद मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अगर आप रेगुलर वर्ब याद करना चाहते हैं तो ये रेगुलर वर्ब यहाँ से आप याद कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये एप्लीकेशन है, इसके मदद से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलर वर्ब यहाँ जाएंगे तो फिर आप यहाँ पढ़ सकते हैं। रेगुलर वर्ब यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए जितने भी रेगुलर वर्ब है आपको यहाँ से मिलेंगे। मतलब हमको रेगुलर वर्ब कब यूज करना चाहिए, रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, वो आप छोटा सा यहाँ एक रूल दे रखे हैं। बहुत ही आसान है। इरेगुलर वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके एंड में हम डायरेक्ट ईडी लगाते थे, यानी वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। तो जिसके एंड में हम ईडी लगा देते हैं वो रेगुलर वर्ब में आते हैं। और इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके एंड में हम ईडी नहीं लगाते हैं। बहुत सारे के लगते भी हैं, बहुत सारे नहीं लगते, जैसे गो वेंट गॉन। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ब आपको मिलेंगे जिसके एंड में आप ईडी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आपको इरेगुलर वर्ब को याद करना ही होगा। और रेगुलर वर्ब तो सिंपल सी है कि एंड में हमको ईडी लगाना है, वर्ब टू हो या वर्ब थ्री हो। उसके बाद यहाँ आकर के आप इसके रूल रेगुलेशन पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं। बहुत ही बेहतरीन ये एप्लीकेशन है अपने इंग्लिश के रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब को मजबूत करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।